गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 3 ऑफ माय इंग्लिश रीडर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट, मेंशन द डेट. टुडे इज 24/2021. ओके बेटा, अब हम शुरू करेंगे. इसमें देखेंगे कि बेटा लेसन का नेम क्या है हमारा, पुस एंड द पैरेट. लेसन का क्या नाम है बेटा, पुस एंड द पैरेट. अब हम इसके स्टार्ट करेंगे. न्यू वर्ड्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, न्यू वर्ड्स आर देयर. इसके साथ साथ इन न्यू वर्ड्स के साथ आपने कुछ और वर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है और उसे अपनी कॉपी पे लिखना है. जैसे मैंने आपको लेसन नंबर 1 और 2 में लिखवाए हैं, यू हैव टू राइट सेम. ओके, लेट्स स्टार्ट. न्यू वर्ड्स, HUNGRY, हंगरी. हंगरी क्या होता है, भूखा. जब हम भूखे होते हैं तो क्या फील करते हैं, हंगरी. PAWS, पाव. पाव होते हैं पंजे, बिल्ली के जो पैर होते हैं उसके पंजे जिससे वो पकड़ती है उसे बोलते हैं पाव्स. उसके बाद नेक्स्ट है RAINING, रेनिंग, बारिश हो रही है. HEAR, हीयर. हीयर का मतलब होता है सुनना. WAIT, वेट. वेट मतलब जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं, इसमें है वेट. तो ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स थे, इसके साथ हम और भी कर सकते हैं आगे लेसन में से. चलिए देखते हैं रीडिंग इसकी. इट इज़ रेनिंग, पुस द कैट इज़ फीलिंग हंग्री, देयर इज़ नो फूड, देयर आर नो रैट्स, ही लुक्स हेयर एंड देयर, ही सीज अ पैरेट सिटिंग ऑन अ ट्री, ही रिक्वेस्ट द पैरेट. अब देखिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट जो न्यू वर्ड्स है आपके लिए, तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है. तो इसमें क्या है, इट इज़ रेनिंग, अब बारिश हो रही है आप देख सकते हैं. पुस जो है एक कैट है, फीलिंग हंग्री. ये आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर कि ये जो पुस है ये थोड़ा इसका नाम कैट का पुस है तो ये हंग्री फील कर रही है. अब देयर इज़ नो फूड, उसके पास कोई खाना नहीं है. और कैट क्या खाती है, रैट खाती है ना. सो देयर आर नो रैट्स, और कोई भी रैट्स नहीं है. उसने इधर देखा, लुक्स हेयर एंड देयर, ही लुक्स हेयर एंड देयर, ही सीज अ पैरेट सिटिंग ऑन अ ट्री. अब उसने एक पैरेट को देखा जो एक पेड़ के ऊपर बैठा था. ही रिक्वेस्ट द पैरेट, और उसने रिक्वेस्ट की. जब हम किसी से मिन्नत करते हैं कि हमारा ये काम कर दो तो उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट. तो उसके बाद आगे क्या होता है देखिए. अब हमारा इसमें कन्वर्सेशन होगी बिटवीन द पुस एंड द पैरेट, क्योंकि लेसन का नाम है पुस एंड पैरेट. वो अपनी बात कहेंगे और वो अपनी बात कहेगा, तो ये हमारी कन्वर्सेशन होती है. तो पुस ने बोला, मिस्टर पैरेट यू सिंग वेल, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. पुस जो है कैट है बहुत ही क्लेवर है, उसने बोला मिस्टर पैरेट यू सिंग वेल, आप तो बहुत ही अच्छा गाते हो, प्लीज़. अब आपने प्लीज़ को अंडरलाइन कर लेना है, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए एक प्लीज़ गाना गा दो. तो पैरेट ने भी, अब पैरेट की टर्न है, पैरेट बोल रहा है फीलिंग वेरी हंग्री, तो उसको भी हैप्पी, फीलिंग वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया. यस यस, ला ला ला, डम दे दम. अब उसको फीलिंग कैसी आ रही है उसको, जब आपकी कोई कर दे, प्रशंसा कर दे आपको, अच्छी बात बोले, हाँ आप तो ऐसा करते हो ऐसे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना कि उन्होंने हमारी प्रेज़ की. तो पैरेट भी अब बहुत खुश हो गया जब उसकी इसकी प्रेज़ हुई, तो उन्होंने बोला यस यस, हाँ. उसने गाना शुरू कर दिया, ला ला ला, डम दे डम. अब वो गा रहा है और पुस नीचे खड़ी है, वो ऊपर देखो सॉन्ग गा रहा है. तो उसके बाद आगे क्या होगा देखिए, उसने क्या बोला कि आई कैन नॉट हीयर यू मिस्टर पैरेट, प्लीज़ कम नियर मी. वो बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ वहाँ से मुझे सुनाई नहीं दे रहा. कैन नॉट हीयर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज़ कम नियर मी, मेरे पास आओ. पैरेट ने बोला नो नो मिस्टर पुस, नहीं नहीं मिस्टर पुस, यू मे ईट मी. उसे पता है कि कैट क्या करती है, खा जाते हैं मार के. तो उसका बोलता है मिस्टर पैरेट यू मे ईट मी, मुझे पता है कि आप मुझे खा जाओगे. फिर उसके बाद पुस ने क्या बोला, नो माई डियर आई एम एन ओल्ड कैट, मैं तो बहुत बूढ़ी कैट हूँ, बूढ़ा कैट हूँ. आई हैव नो टीथ, मेरे पास दांत भी नहीं है. आई कैन नॉट ईट यू, मैं आपको कैसे खा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दांत नहीं, मैं बूढ़ा हूँ. आप इतने अच्छे हो कि उड़ भी सकते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं तो आपको नहीं खा पाऊँगा. तो पैरेट ने बोला देन हेयर आई कम, ओके फिर तो ठीक है मैं आपके पास आ जाता हूँ. वो गाना गाते गाते ला ला ला, डम दे डम, त
तारारा, तो वो फिर से उसके पास आ जाता है, उड़ के उसकी बातों में आ जाता है और वहाँ आ जाता है। बाद में क्या होगा देखिए, पुस जंप्स ऑन द पैरेट, और पुस जो तेज होता है देखो, जंप करके उसने क्या किया पैरेट को अपने, एंड होल्ड हिम, होल्ड को भी अंडरलाइन करना है, जंप को भी करना है, होल्ड यानी पकड़ लेना, हिम इन हिज पाव्स, अब उसने अपने पंजों में उससे उसको पकड़ लिया। अब पुस ने क्या बोला, नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। पैरेट ने फिर क्या बोला, यू आर अ गुड कैट, आप तो एक अच्छी कैट हो, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट मी, अगर आप मुझे खाना चाहते हो, यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड्स एंड फेस, आपको अपने पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए, फेस वॉश कर लेना चाहिए। जब हम खाना करते हैं तो हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं ना, तो पैरेट को भी दिमाग में आया, उन्होंने बोला कि आप तो अच्छे कैट हो, तो आप ऐसे करो, अपने हैंड्स और फेस वॉश कर लो, दैट इज़ वट ऑल गुड कैट्स डू, ये वो बात है कि जब सारी कैट्स, अच्छी कैट सबसे पहले क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो आप भी चाहिए और हैंड वॉश करके आइए। पुस ने फिर क्या बोला, जस्ट सी, अब देखो हाउ फास्ट, कितनी जल्दी आई वॉश माई फेस एंड हैंड्स, और मैं भी कितनी जल्दी अपना फेस और हैंड्स वॉश करता हूँ, यू स्टैंड हेयर एंड सी, आप यहाँ खड़े हो जाओ और मुझे देखो कि मैं कैसे जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से आता हूँ। अब पैरेट ने क्या बोला, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, मैं यहाँ आपकी वेट नहीं कर रहा, टू ईट मी, अब कि आप आओ और मुझे खा जाओ, हेयर आई गो, मैं यहाँ से चला, बाय बाय पुस। और जैसे कैट ने उसको झूठ बोला, ऐसे ही पैरेट ने भी उसके साथ क्या किया, चालाकी की कि उसको बोला कि आप अपना हैंड्स और फेस वॉश करो, जैसे ही वो उसे छोड़ दिया और वो क्या करता है, उड़ के ऊपर चला जाता है। देखिए तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ चीटिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए। ओके बेटा, उसने भी चीटिंग की और फिर उसको पैरेट को भी उसका काम करना पड़ा। ओके बेटा, तो आज आपने इसकी रीडिंग करनी है, न्यू वर्ड्स लिखने हैं। थैंक यू।